जब आपको ही होगा, तो आपने क्या और क्या होता है कि हमारे बच्चे के पीछे के ना, वो जाके कहते हैं बस ये फलाने ब्रांड का तो मैंने तो ये जरूर पहनना है ये फलाने ब्रांड का मैंने जरूर पहना है आप ब्रांड की तरफ ना जाए आपने खुद ब्रांड बनना है आप ये देखें आप तो इनको बताया कि आप ब्रांड है जो आज की प्रेजेंटेशन है हमारी आ, वो ड्रेस फॉर सक्सेस यानी कि मैंने कोशिश की है ये प्रेजेंटेशन बनाते हुए कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए और जो अभी प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए ड्रेस फॉर सक्सेस यानी कि इसमें आपका ओकेजनल ड्रेसिंग और सिचुएशनल ड्रेसिंग आ जाएगी उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे सर ने काफ़ी सेशंस लिए हैं तो उनको तो अंदाज़ा है इस चीज़ का काफ़ी तो ड्रेस फॉर सक्सेस एंड पर्सनल ग्रूमिंग तो बेसिकली लोगों को अक्सर पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो कुछ गलत डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं तो मैंने सोचा था मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ द पावर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन हम ड्रेस फॉर सक्सेस की जब बात करते हैं तो हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि आप अपना जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन है ना वो प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो और वो एक राइट right इमेज की बेस पे हो तो दी पावर ऑफ़ द फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि फर्स्ट इम्प्रेशन थ्रू आउट लाइफ आर क्रूशल यू डोंट गेट अ सेकेंड चांस ये तो ऑबियस है कि समटाइम्स क्या मेरा ख्याल है कि ये हंड्रेड परसेंट ट्रू है कि आप फर्स्ट टाइम में जो इमेज प्रोजेक्ट कर देते हैं तो फिर आप ये नहीं सोचते कि अभी एक और चांस पड़ा हुआ है अगर आज मैंने अपना राइट इमेज प्रोजेक्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम सही नहीं इमेज बिल्ड हो गया है अगले के जेन में एक परसेप्शन आ गया वो है वो तैयार है मेंटली तौर पे आपके बारे में सोचने के लिए वो आपको जज कर चुका है आपके हाथ से बात निकल चुकी है अब आपको कोई दू दूसरा चांस नहीं मिलेगा जिस पर आप सोच रहे हैं कि मैं सेकेंड टाइम इमेज प्रोजेक्ट कर दूंगा तो क्या है कि ये बड़ी एक क्रूशल सी चीज़ है आपने फर्स्ट इमेज जब प्रोजेक्ट करना है तो वो राइट right होना चाहिए अ फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी व्हाट यू वेयर व्हाट जस्टर यू मेक

आपके बाल कैसे हैं आपकी ड्रेसिंग कैसी है आपके जूते कैसे हैं आपका मेकअप कैसा है ये सारी चीज़ें हैं आपकी नॉन वर्बल तो ये आप वर्बल कम्युनिकेशन तो बोल कर बताते हैं ना आपके आपका आपने अस्सलाम वालेकुम किस टोन में किया है तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है उससे तो आपका इमेज पता चल ही जाएगा लेकिन आप ये सोचें एक लहजे के लिए कि जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं अस्सलाम वालेकुम आप बाद में करते हैं पहले अगर आपको देखता है पहले आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके बाद आती है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा जनाब यहाँ पर जेस्चर आपने देना है अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है आपकी फिजिकल अपेयरेंस आप देखने में कैसे लग रहे हैं जैसे आप देखने में लग रहे हैं ना वो आपको बताता है कि क्या है आपकी बैकग्राउंड कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो मैं बताऊंगी टू प्रोजेक्ट राइट इमेज ठीक है कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप फॉलो करेंगे जिसको फॉलो करते हुए आप एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करने में कामयाब होंगे हैव गुड गुड पर्सनल ग्रूमिंग एंड प्रॉपर हाइजीन देखो जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें आपकी हाइजीन का बड़ा अहम रोल है लेट्स आप एक इंटरव्यू के लिए गए हैं या आप जूरी में बैठे हुए हैं और एक बच्चा आपके पास इंटरव्यू के लिए आ रहा है तो अब आपने उसको बेस पे जो जज करना है वो ये कि उसकी हाइजीन का लेवल क्या है कैसे समझे कि एक बच्चा है, लेट्स से कि आप इंटरव्यू के लिए अंदर जा रहे हैं आप बाइक पे आए हैं आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई और आपने हेलमेट पहना हुआ था अब आप आपने जब भी कभी इंटरव्यू के लिए जाना है तो ऑफ़कोर्स आप पहले जा के अपना हेलमेट उतारेंगे रिसेप्शन पर रखवाएंगे स्वेटिंग क्लीन करेंगे बालों को सही करेंगे हर जगह पर आपको एक रूम मिलता है रेस्ट रूम अपने आप को फ्रेश करके तो आप एज़ ए कैंडिडेट अंदर जाएंगे बजाय कि आप ऐसे मुंह उठाकर अंदर चले जाएंगे और अंदर जाके जूरी के सामने हेलमेट उतारेंगे और फिर कहेंगे जी बड़ा पसीना आया हुआ है पसीना साफ़ कर लूँ उस वक्त आपका ध्यान अपने इंटरव्यू से ज़्यादा अपने पेरेंट्स पर पे होगा और हाइजीन पर होगा और आप क्या सोच रहे होंगे असलकम करने से पहले आ, आप एक मेसी शख्सियत होंगे आप कह रहे होंगे मेरे बाल ठीक नहीं है मुझे स्वेटिंग हुई भी है मैं कैसे साफ़ करूँ अच्छा बैठ के करता हूँ अच्छा पहले हेलमेट रख देता हूँ इस दौरान में आपको अगला बंदा पूरा पूरा जज कर लेता है क्योंकि अनकॉन्शियसली ना आपका एक्ट वैसा हो जाता है आपका बिहेवियर वैसा हो जाता है आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे होते हैं तो अगला आपके लिए सबसे पहला तो यही एक इमेज ले लेता है कि ये कन्फ्यूज पर्सनैलिटी है तो ये है हाइजीन स्वेटिंग हुई हुई है बाल ठीक नहीं है हाइजीन आपकी प्रॉपर नहीं है और आप अंदर चले गए तो जनाब ड्रेस वेल फॉर सक्सेस क्या है जब हम स्ट्रेटजीज की बात करेंगे तो एक तो हाइजीन हो गई कि आपने अपने आप को वेल मेंटेन करके थोड़ा टाइम लेके सांस लेके पानी पी के फिर अपनी बारी पे अंदर जाना है इंटरव्यू के टाइम से पहले ही आपने वहाँ पहुँच जाना है आपको पता होगा कि मेरी बारी आने में टाइम होगा उससे पहले मुझे फिक्स होने के या सेट होने का टाइम मिल जाए ड्रेस वेल फॉर सक्सेस क्या है मैंने मज़े की बात अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जब मैं पढ़ रही थी तो उसके बाद जब मेरे ऊपर ये टाइम आया कि मैंने इंटरव्यूज़ में जाना है तो मेरा ख़्याल है मैंने कोई फिफ्टीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ पास किए होंगे शौकिया चली जाती थी मैं चाहे वो गवर्नमेंट के इंटरव्यूज़ क्यों ना हो कोई वो रिटर्न टेस्ट हो उसके बाद इंटरव्यू क्यों ना हो पता नहीं मुझे फेल होना शायद पसंद था मैं कहती थी कि मैं शायद अल्लाह अलामिया मुझे किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है मैं चली जाती थी छः छः घंटे मुझे याद है कोई यहाँ पर एक था कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट टीचिंग का जिसमें आपने रूरल एरियाज़ में जाकर टीचिंग करनी थी उसका रिटर्न टेस्ट था मैं चली कि जब मैं टेस्ट देने के लिए गई तो मैंने टेस्ट पास कर लिया जब मुझे उन्होंने चार पाँच घंटे की सिटिंग और वेटिंग के बाद बुलाया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने टीचिंग के लिए अप्लाई क्यों किया है तुम्हें तो इससे ऊपर के उदे के लिए अप्लाई करना चाहिए था इट वॉज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी उन्होंने मुझे किस बेस पे कहा था शायद उनके पास अभी तक रिजल्ट नहीं पहुंचा हुआ था कि मैं पास भी हुई हूँ कि नहीं उन्होंने मुझे देखते साथ ही ये बात कह दी थी क्योंकि मेरी अपेरेंट्स के ऊपर मैंने शुरू से बड़ा फोकस किया है बचपन से मैं अपने अपेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी मुझे होता था कि मुझे कोई देख रहा है और देख के परसेप्शन अपने जेन में बैठा रहा है मैंने इसकी कोई तालीम हासिल नहीं की हुई ये मेरा एक्सपीरियंस है मेरी पढ़ाई है जिसको मैंने मर्ज कर दिया पाकिस्तान में तो एक इमेज कंसल्टेंट की कोई पहचान ही नहीं थी किसी को पता ही नहीं था कि इमेज कंसल्टेंट क्या होता है ये मेरे एक्सपीरियंसिस थे ये मेरा फोकस था अपनी पर्सनालिटी के ऊपर जिसने मुझे अमादा किया इस काम में आने को फिर मैंने लर्न किया कि अच्छा अमेरिका में इसको ये कहते हैं ये इमेज कंसल्टेंट कौन होता है ये ग्रूमिंग ट्रेनर होता है ये एक डिज़ाइनर होता है जिसका काम ये नहीं होता कि आज ट्रेंड ये है तुम पहनो तुम अच्छे लगोगे इमेज कंसल्टेंट का काम ये है कि तुम्हारा इमेज अच्छा होना चाहिए तुमने वो पहना है ड मैटर वो आपको बिल बोर्ड्स पर लगा हुआ एड दिख रहा है कि नहीं वो मैटर नहीं करता मेरे लिए वो मैटर करता है जो तुमने पहना है और तुम उसको पहनकर अच्छे लग रहे हो वो तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है कोई तुम्हें जब ये कहे कि तुम्हारा ड्रेस अच्छा लग रहा है तो इट इट ऑल मीन दैट के ड्रेस ही अच्छा लग रहा है तुम अच्छे नहीं लग रहे आपको एक प्रॉपर पैकेज बनना है पूरा एक पैकेज बनना है तो जब कोई आपको ये कहता है ना कि आज आप बड़े अच्छे लग रहे हो ये होती है तारीफ इसका मतलब ये होता है कि आप अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड हैं आप ओकेजनली ड्रेस्ड हैं आप सिचुएशनली ड्रेस्ड हैं सही कह रही हूँ मैं तो हमने सारी स्टडी जो है ना आज इसके बारे में करना है अच्छा जी फर्स्ट तो आपने लर्न करना है कि व्हाट इज पर्सनल ग्रूमिंग पर्सनल ग्रूमिंग क्या है पर्सनल ग्रूमिंग सिंपली मीन्स मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन व्हिच विल हेल्प यू लुक प्रेजेंटेबल हेल्दी एंड फिट एंड इट कैन हेल्प यू टू प्रोजेक्ट राइट इमेज अच्छा यहाँ पे ना मेरे पास एक बड़ी अच्छी वीडियो है वो वीडियो अब ये ऑन करते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये भी बेस करती है इमेज आपके पेरेंट्स के ऊपर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी फ़िज़िकल अपेरेंस आपने देखना है कि लोग आपको किस तरह जज करते हैं और फिर आपकी अपेरेंस से आप लो, लोगों के अटेंशन कैसे ग्रैप करते हैं अच्छा सोशल मीडिया पे ना पिछले दिनों में कुछ वीडियोस बहुत वायरल हुई थी उन वीडियोस का जो मकसद था ना वो यूनिसेफ ने वो बेसिकली स्पॉन्सर की थी उनमें था कि एक बच्ची थी उसको उन्होंने बैगर बना दिया बैगर बनाकर उसको स्ट्रीट्स पे छोड़ दिया वो बच्ची जहाँ जाती थी तो लोग उसको धुतकार देते थे साइड पे हो भिकारी है माफ़ करो इस तरह इतनी छोटी उम्र में तुम पैसे मांग रही हो तुम्हें शर्म नहीं आती पढ़ो जाके काम करो कहीं ऐसे करके बच्ची को धुतकार देते थे आखिरकार बच्ची क्योंकि एक अच्छी फैमिली की थी और उसको इस एक सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था एंड उस बच्ची ने रोना शुरू कर दिया कि मेरे साथ क्या हो रहा है जाहिर है एक बच्ची को जब घर में पैम्पर किया जा रहा हो और बाहर जाए तो उसके साथ ये हो बच्ची ने रोना शुरू कर दिया इट वॉज़ अ सोशल एक्सपेरिमेंट उसी बच्ची को उन्होंने वेल ड्रेस किया और स्ट्रीट्स पे छोड़ दिया अब क्या हो रहा है कि हर कोई आ रहा है ओ बच्ची किसकी है और बेबी कोई उसको आइसक्रीम दिला रहा है कोई उसे कह रहे हो उसके पेरेंट्स खो गए हैं उसको पकड़ रहे हैं उसकी केयर कर रहे हैं कितनी प्यारी बच्ची है एंड ऑल दैट तो उन्होंने क्या किया उस बच्ची को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी तो सोशल एक्सपेरिमेंट प्रूफ दैट कि आपकी जो फ़िज़िकल अपेरेंस है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है आपका इमेज बिल्ड करने के लिए कि उसको जब उन्होंने बैगर का अपेरेंस दिया तो बच्ची को लोगों ने कैसे ट्रीट किया और जब उन्होंने उसको एक अच्छी फैमिली की बच्ची का पेरेंट्स लुक दिया तो लोगों ने उसको कितना वेल ट्रीट किया वट कम्स इन गुड ग्रूमिंग इन कॉपोरेट सेक्टर अच्छा हर बच्चा जो है ना अब जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा तो वो कॉपोरेट सेक्टर में ज़्यादातर लोगों का होता है रुझान हमारा जो कॉपोरेट सेक्टर है ना उसके कुछ कुछ लेवल्स होते हैं और उसके कुछ मैार होते हैं कि आप उस मैार पे पूरा उतर रहे हो हमने थोड़ा सा अपनी पेरेंट्स को ना कॉपोरेट सेक्टर के हवाले से फिक्स करना है वो कोई मसला नहीं है आप कॉपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी अपेरेंट्स ऐसी होनी चाहिए कि आपको देखते कोई कह दे भाई ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा लगता है या बंदी लगती है ठीक है यहाँ पे आपको हमने बता दिया कि वट कम्स इन गुड ग्रूमिंग इन कॉपोरेट सेक्टर आपकी अपेरेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स और बिहेवियर अच्छा व्हाट कम्स इन पर्सनल हाइजीन फॉर मैन शावर डेली अप्लाई परफ्यूम स्वेट फ्री फेस एंड बॉडी नीट एंड क्लीन हेयर कट क्लीन टीथ कैरी अ क्लीन हैंड कचीज वेल प्रेस क्लोथ्स नीट टाई एंड बेल्ट क्लीन शेव और वेल कैप बियर्ड गुड प्रोफेशनल हेयर कट वेल कैप नेल्स एंड सैनिटाइज हैंड्स क्लीन सॉक्स क्लीन शूज जब पहले इस वाले सेक्शन को कवर करते हैं फॉर मैन आपके भाई भी होंगे आपके साथ बहुत सारे ऐसे आपके फ़ादर होंगे पेरेंट्स में बहुत सारे लोग होंगे कुलीग्स होंगे जिनको आप मशवरा दे सकते हैं तो आपके लिए भी ये इस वक्त से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म इन शावर डेली ऑफ कोर्स शावर डेली तो आप लोगों ने करना है हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है आजकल आपने देखा स्किन कैंसर बढ़ता जा रहा है गंदगी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स और आते हैं मैंने अभी कल ही मुझे पता चला कि आजकल तीन चार किस्म की बीमारियां हैं जो फिर वायरस फैलना शुरू हो गया है जिसमें एक आपकी आंखों का इशू है जिसे अशुभ चशम कहते हैं शायद जिसमें आपकी आंखों का रंग बिल्कुल खून की तरह का हो जाता है दूसरा मैंने देखा है कि कान बंद हो रहे हैं लोगों के क्योंकि हमारे ये इन्फ्रास्ट्रक्चर इशूज़ चल रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है डस्ट और ड्राइनेस हो गई है इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा तो आपको आने वाले वक्त में ये कानों का बंद होना उसमें इन्फेक्शन होना ये बहुत फेस करना पड़ेगा फिर मलेरिया और डेंगू तो आप लोगों को पता है कि मलेरिया और डेंगू जो है इस वक्त अपने अरूज पर है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में केसेस आ रहे हैं हर घर में बच्चे जो हैं बीमार हो रहे हैं फिर एक और चीज़ है जो आ, मैं भूल ना भूलना चाहूँ बताने मम्स मम्स का जो है ना वायरस फैलना शुरू हो गया मम्स बहुत भयानक होता है इसमें आपका जो फेस का एक साइड है ना वो सूज जाती है और इसमें आपका फेस पहचाना नहीं जाता उसमें आपके बॉडी एक्स आपका टेम्परेचर बहुत सारे इशूज़ हैं खाना पीना भी ख़त्म हो जाता है ये सारी चीज़ें गंदगी की वजह से हो रही है समझ में आ रही है सैनिटाइज़र का जो मैंने यहाँ पे आपको जिक्र किया सैनिटाइजर का इस्तेमाल सिर्फ कोरोना के ज़माने में नहीं था खुदा का वास्ते हाइजीन की बात आती है ना दो चीज़ें आपने अपने साथ कैरी करनी है एक मॉस्किटो रिपेलेंट छोटी सी शीशी होती है ड्रापर्स में डाल के रख लें अपने ग्रूमिंग बैग्स में डाल के रख लें दूसरा है सैनिटाइजर आप गाड़ी में हैं बाइक में जिसमें भी हैं आप अपने वैनिटी बॉक्स में ये चीज़ें साथ कैरी ज़रूर करें इसमें अप्लाई परफ्यूम है परफ्यूम का तरीका क्या है अप्लाई करने का आपके जो ये सब के लिए है खातानी के लिए भी अच्छा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको मैं कवर करूँगी खुतान के हवाले से भी अच्छा हमारी बॉडी के ना कुछ पार्ट्स होते हैं जो बड़े मॉइस्चराइज्ड होते हैं वो मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी आपने अपने उन मॉइस्चराइज पार्ट्स परफ्यूम को अप्लाई करना है आप जब उसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में से ना नेचुरली एक हीट निकलती है जो मॉइस्चराइज पार्ट्स हैं ना वो आपके जॉइंट्स होते हैं जैसे आपके अंडर आर्म्स हैं आपके बाजू का ये वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा है इसी तरह आपके लेग्स के जोड़ हैं ये आपके वो पॉइंट्स हैं जो नेचुरली बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी होते हैं और हीट भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है आप जब इस जगह पर अपना परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो वो आपके ब्लड में शामिल होता है तो फिर आपको कपड़ों परफ्यूम अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती जब आपके ब्लड में परफ़्यूम की खुशबू आती है तो वो आपकी पूरी बॉडी और पूरे लबास में आ जाती है तो क्या है कि चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका अगर पता चल जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं तो ये मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी इसको लगाने का तरीका जो है ना वो ये है अच्छा आप फॉर वूमेन देखिएगा उसमें भी वही पॉइंट्स आ रहे हैं जो इसमें आ रहे हैं ठीक है अब स्वेट फ्री फेस एंड बॉडी नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल इसके बारे में अभी हमने बात की थी कि चेहरे के ऊपर पसीना नहीं होना चाहिए जब ख़ास तौर पर आप किसी मीटिंग पे जा रहे होते हैं किसी सीरियस गैदरिंग में जा रहे होते हैं आपको अपने साथ एक टिश्यू पेपर ज़रूर कैरी करना चाहिए अपने हाथ में हर वक्त रखा करें ताकि आपको थोड़ी देर बाद वो घसीटे मार मार के कभी भी अपने स्वेटिंग को साफ नहीं करते ये टैप टैप करते हैं और आपकी स्वेटिंग नीट हो जाती है और इससे ये होता है कि आप देखने में भी बुरे नहीं लगते एक डिसेंसी लगती है मैंने तो लोगों को देखा है वो आराम से दुपट्टे तो का पल्लू उठाते हैं और ये जार वो जार होता है ना ऐसे अक्सर लोगों का तो ज़रा थोड़ा सा ना अपने आप को आपने इस तरीके से इम्पेक्बल रखना होता है और अपने आप को हाइजीन के लिए बड़ा डिसेंट रखना होता है अच्छा नीट एंड क्लीन हेयर कट हर बच्चा जो है ना वो इस चीज़ पे फोकस्ड है आजकल ख़वातीन ख़ास तौर कि उनको लगता है कि बाल छोटे हैं या बड़े हैं लेकिन प्रोफेशनली खुले ही अच्छे लगेंगे लेकिन अभी कुछ दौर ऐसा आया है कि जब बच्चियों को हाइजीन के बारे में पता चला है तो उनका रुझान जो है स्काफ की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है जो कि एक बहुत अच्छी आदत है इससे क्या है कि आपके बाल नीट भी रहते हैं आपके जो दो मुंह बन जाते हैं उसको स्प्लिट एंड्स बोलते हैं वो भी नहीं रहते और आप नीट एंड क्लीन एक इमेज प्रोजेक्ट करते हैं लेट्स से अगर आपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो आपके बाल जगह जगह से खड़े होंगे कहीं से सही स्ट्रेट हुए हुए कहीं से नहीं हुए हुए तो वो क्या है आपकी बॉडी लुक जो है ना वो एक मैसी सी हो जाती है दुपट्टा क्या करता है दुपट्टा तो एक सरफेस है जब आपने उसको सर पे कैरी कर लिया तो वो आपको एक बैलेंस लुक दे देता है तो आपने उसको कैरी करने का तरीका सीखना है वो भी मैं आपको कुछ तरीके वगैरह बता दूँगी तो आपने क्या करना है कि अगर आपने सर पे दुपट्टा कैरी किया है तो उसको इतने डिस्टेंसिस से कैरी करना है कि आपकी जो एक लुक है वो डिसेंट लुक बन जाए So, ये आपका हेयर कट को रिप्लेस करने का बेस्ट वे है क्या आपने जस्ट नीट एंड क्लीन पोनी की ये नहीं करना कि अंदर बस गंदे बाल हैं जूड़ा किया पता है ऊपर तो दुपट्टा ही लेना है ये तो वही बात हो गई कि बहुत सारे बच्चे जब अबाया कैरी करते हैं तो कहते हैं यार खैर है कल के जोड़े के ऊपर अबाया ही लेना है ना उसी के ऊपर अबाया पहन लेते हैं वो आपके हाइजीन के लिए अच्छा नहीं होता भले ही आपने अबाया कैरी करना है लेकिन अबाया का स्टाइलिश और नीट होना उतना ही ज़रूरी है जितना आम लबास का क्योंकि आपके लिए वो एक आम लबास का काम कर रहा है आपका स्टाइल आपकी अबाया ने बनाना है सो थोड़ा सा हाइजीन के ऊपर फोकस करना है हर चीज़ में हाइजीन घुसी पड़ी है ऐसे ही है ना मर्दों के लिए जो है ना वो ये कि अगर आपने हेयर कट अपना अच्छा रखा है नीट एंड क्लीन रखा है तो वो आपने देखना है आपने बास बच्चे ना जब सलोन में जाते हैं ना बालों की कटिंग कराने उनको नॉलेज कुछ नहीं होती वो जाके कह देते हैं कि भाई साहब ये कॉपोरेट लोग यहाँ से मांग निकाल लें इधर से ऐसे कर दें इधर से ऐसे कर दें कर दें आप खुद मत बोलें आपको वो नॉलेज नहीं है आप अपने सलून में जाते हैं ना तो उनके हेड के पास जाएं उसको ये पूछें कि मेरा फेस कट ऐसा है और मैं इस उहदे पे काम करता हूँ मुझे बताएं कि मेरे चेहरे के ऊपर कौन सा कट अच्छा लगेगा फिर वो आपको बताएगा कि आपके फेस के ऊपर कौन सा कट अच्छा लगेगा मांग इधर होनी चाहिए कि मांग इधर होनी चाहिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपकी पर्सनालिटी जब बनती है ना तो वो इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर आकर बनती है सो तो आपने अपने फैसले खुद नहीं करने एक्सपर्ट से पूछना है कि भाई आप मुझे गाइड करें आपको कभी कोई गलत गाइड नहीं करेगा क्योंकि जो नॉलेज उसके पास है वो आपके पास नहीं है हो ही नहीं सकती आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं हुआ तो आइंदा कभी आपने हेयर कट लेने के लिए जाना है आपने उससे गाइडेंस लेनी है फिर चाहे आप हैं या आप हैं प्रॉपर गाइडेंस अगले से लो और अगर अगले को नॉलेज नहीं है तो खुद रिसर्च करो पहले पहले खुद रिसर्च करो समझ में आती है कि मेरे फेस कट के ऊपर कौन सा हेयर कट अच्छा लगेगा तो फिर वो आपने कैरी करना है इट क्लीन थीथ किसको नहीं पता दांत साफ होने चाहिए और कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए क्योंकि स्माइल जो बुरी अच्छी लगनी चाहिए वो बुरी लगना शुरू हो जाती है ऐसे ही है ना तो ये भी आपकी हाइजीन में चीज़ें आती हैं कैरी आ क्लीन हें आपका जो रुमाल है या टिश्यू पेपर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए जो आप कैरी करते हैं लड़कियां तो नहीं करती लड़के ख़ासतौर तो पे ज़्यादा कैरी करते हैं कैरी करना भी चाहिए और वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए वो विदाउट एनी टेक्सचर होना चाहिए उसका फैब्रिक मुलायम होना चाहिए जो आपकी स्किन को रैश ना करे दूसरा आता है जी वेल प्रेस्ड क्लोथ्स ये तो मर्दों के लिए औरतों के लिए सबके लिए है कि आपने जो कपड़े पहनने ना वो वेल well प्रेस्ड होने चाहिए उसकी क्रीज बनी होनी चाहिए कोई भी ऐसा फैब्रिक इस्तेमाल ना करें जिसको पहनने के थोड़ी देर के बाद ही आपको लगना शुरू हो जाएगा कि सिलवट आ गई है और बल पड़ गए हैं क्लोथ्स के ऊपर तो वहीं से आपकी पर्सनालिटी मैसी लगना शुरू हो जाती है आपका देखकर ऐसे लगता है कि जैसे आप नीट एंड क्लीन नहीं हैं फिर चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं लड़कियां हैं लड़के हैं आपने जब फैब्रिक ही ऐसा इस्तेमाल कर लिया अच्छा जो मेरी नॉलेज है ना शलवार कमीज में लड़कों के लिए एक फैब्रिक होता है वॉश एंड वेयर आप छोटे छोटे पॉइंट साथ साथ नोट कर लें वॉश एंड वेयर को अगर आप सुबह पहनेंगे तो रात तक ना उसके ऊपर बल नहीं आएंगे उसके अंदर क्रीजें नहीं बनेंगी वो क्रीज़ बनेगी जो आपने बनाई होगी सुबह प्रेस करते हुए तो आपके लिए बेस्ट फैब्रिक जो है ना वो कॉटन नहीं है आपके लिए बेस्ट फैब्रिक जो है वो है वेयर, या फिर कोई ऐसा फैब्रिक जो कि अपने ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी रखता है एम्ब्रॉयडरी मतलब लड़कियों जैसी एम्ब्रॉयडरी नहीं होती ये सेल्फ़ प्रिंट होता है या फिर इसके अंदर वो जो चिकन होता है एक फैब्रिक चिकनकारी वो होता है तो मर्द जो है ना वो कैरी कर सकते हैं दैट लुक्स वेरी प्रोफेशनल अदरवाइज़ जो बाकी के मैंने देखा है आप लोगों को मेरी ये बात सुन के ना बहुत ज़्यादा हैरानी होगी इस वक्त जो मैंने सूट पहना ना ये मैंने मर्दाना दुकान से लिया है अच्छा मैं जिसको बताती हूँ वो इस बात को हैरान होकर देखता है कि मैं एक दफ़ा एक मार्केट में गई क्योंकि मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ तो मैं क्लाइंट्स को लेकर शॉपिंग पर जाती हूँ मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे लाहौर में एक मार्केट है उसका नाम है शेरावाला वो बहुत सस्ती मार्केट है और वहाँ से फैब्रिक बड़ा अच्छा मिलता है बल्क में भी मिल जाता है तो पिछले दिनों कोई दो ढाई हफ्ते पहले मैंने शेरावाला का विज़िट किया मैंने कहा मैं एक्सप्लोर करूँ वहाँ पर क्या है वहाँ पर मैं एक मर्दाना कपड़े की दुकान में गई और मैंने वहाँ जाकर देखा वहाँ पर इतने खूबसूरत कपड़े थे और जब मैंने मर्दाना कॉटन उठाई और मैंने उसका फैब्रिक देखा तो मैंने कहा ये तो हाँ, लेडीज़ की जो कॉटन होती है वो तो बड़ी गही गुजरी होती है और ये तो बड़े ही कमाल का सूट है आप इमेजिन करेंगे ये सूट मैंने कितने का लिया था वहाँ से पंद्रह सौ रुपये का मुझे पंद्रह सौ रुपए में वहाँ से फ़ैब्रिक मिला और मैंने उठा लिया और मेरे साथ जो लोग थे वो हंस रहे थे कि मुर्दाना दुकान है तो यहाँ से लड़कियों का फैब्रिक नहीं मिलता मैंने कहा ये बात आप मुझ पर छोड़ दें मैंने जो गर्लिश कलर्स थे वहाँ से वो उठा लिए और मैंने वो स्टिच करवा लिए और मैं हैरान हूँ कि इतना अच्छा पायदार कपड़ा मुझे अब लड़कियों की औरतों के फैब्रिक में नहीं मिला जितना मुझे वहाँ से मिला और पंद्रह सौ में मैंने सूट लिया होगा हज़ार रुपया सिलाई दी होगी ढाई हज़ार में, में मेरा एक बहुत ही प्रोफेशनल ड्रेस तैयार हो गया तो मेरा एक कहने का मकसद ये भी है कि जब हम कपड़े पहनते हैं ना तो ये मैटर नहीं करता कि उसके ऊपर आपने रकम कितनी लगाई है आपने उसमें पैसा कितना लगाया है जितनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप कपड़े बनाएंगे वो उतने ही प्रोफेशनल लगेंगे क्योंकि जितनी आप फैब्रिक पे एडिशन करते जाएंगे वो उतना ही अनप्रोफेशनल होता जाएगा बिलीव मी सिंपल कुर्ते लेके बटन लगाए तो वो सूट तैयार हो गया बजाय अब आप उसके ऊपर मोटिव्स लगाएंगी कढ़ाइयाँ करवाएंगी रंग बिरंगी लेसेस लगवाएंगी ठीक है पता चलना चाहिए कि आप लड़की हैं आप औरत हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दो या तीन रंगों का इस्तेमाल शुरू कर दें आपका ड्रेस एक ही कलर में होना चाहिए फिर वो चाहे सेल्फ प्रिंट में हो जाए या उसके ऊपर सेम कलर की कढ़ाई हो जाए बाकी कपड़े घर के लिए होने चाहिए सोशल गैदरिंग्स के लिए होनी चाहिए होने चाहिए कुछ आगे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं उसकी तरफ चलेंगे वरना फिर मैं इसको लेके आगे चलती जाऊंगी अच्छा जी यहाँ पे हमने आ, नीट सॉरी वेल वेलफेस्ट क्लोथ्स के बाद आता है नीट टाई एंड बेल्ट नीट टाई एंड बेल्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है ये आपने रेप टाई पहनी हुई है ये जो टाई आपने पहनी हुई है इसका जो टेक्स्चर है ये रेप टाई है इसके ऊपर जो लाइंस हैं ये बड़ी प्रोफेशनल होती हैं और आपने लकीली कलर भी बड़ा प्रोफेशनल सेलेक्ट किया है जो मैदाना कपड़े होते हैं उसमें जो टाई के कलर्स हैं वो मरून, नेवी ब्लू ग्रे और जो आपका होता है ना ये चाकुल ग्रे ये ये बहुत खूबसूरत कलर्स हैं और ये बड़े वेल प्रोफेशनल कलर्स हैं जब आप इनकी सिलेक्शन करते हैं ना तो उससे आपकी जो ओवरऑल लुक होती है ना उसमें एक बड़ी कॉपोरेट लुक आना शुरू हो जाती है तो कुछ मैं आपको आ, आगे जाके ना इसके टेक्सचर्स भी बताऊंगी कि रेप टाइज के अलावा आप और कौन से टाइज जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं अच्छा जी गुड प्रोफेशनल हेयर कट ये मेरा ख्याल है ऊपर भी हमने इसके ऊपर बात की थी राइट वेल वेल्केट नेल्स एंड सैनिटाइज हैंड्स ये मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने अपने साथ सैनिटाइजर ज़रूर कैरी करना है ठीक है और तीसरी चीज़ है इसमें लास्ट क्लीन सॉक्स एंड क्लीन शूज़ अच्छा क्लीन सॉक्स और क्लीन शूज़ से मुराद बहुत सारी चीज़ें हाइजीन में कि जिस तरह आप कपड़े चेंज करते हैं वैसे ही आपने सॉक्स भी अपनी डेली बेसिस पे चेंज करनी होती चाहे है चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं आपके जो शूज़ हैं उनका कलर जो है या तो आपकी बेल्ट से मैच होना चाहिए या आपकी सॉक्स के साथ मैच होना चाहिए टेक्नी कलर नहीं बनना क्योंकि आपने अगर एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट करनी है तो उसके लिए सटल होना बहुत ज़रूरी है सोबर होना बहुत ज़रूरी है अच्छा यहाँ पे जो पॉइंट है ना वेल कैप्ड नेल्स विद गुड पॉलिश इसका मतलब ये जो बच्चियाँ हमारी नेल पॉलिश लगाती हैं बहुत सारी बच्चियों को मैंने देखा नेल पॉलिश लगी होती है अगले दिन वो बोर हो जाती हैं वो क्लासरूम में बैठ के अपने नाखूनों से नेल पॉलिश उतार रही होती हैं फिर आधी लगी होती है आधी उतरी होती है दैट लुक वेरी अनप्रोफेशनल और वो हाइजीन का तहस नहस हो जाता है तो आप अपने बेड के साइड पर ना एक नेल रिमूवर ज़रूर रखा करें ड्रॉ में ताकि आप अगर आपने एक दिन लगाई है तो उसी रात को आप उतार लें हर वक्त नेल पॉलिश लगाना भी कोई अच्छी बात नहीं है नेल्स के लिए कोई इतना अच्छा नहीं होता लेकिन ये कि आपके पास वाइप्स पड़ी होनी चाहिए अगर आपके साइड टेबल पर नहीं है तो फिर बैग में रख के ले जाओ भाई अपने फ्री पीरियड में उस तरह उतार लो लेकिन थोड़ा अपने आप को अपने आप को प्रिंसेस खुद बनाना है अपने नखरे खुद उठाने हैं ठीक है लड़कों ने भी अपने नखरे खुद उठाने और लड़कियों ने भी अपने नखरे खुद उठाने एट द एंड तो सवाल होगा ना कि दुनिया में भेजे गए हो तो क्या काम करके आए हो तो तुम लोगों ने तो अपने आप को ही पैंपर्ड नहीं किया अपने आप को नहीं सही तरह संभाल सके तो ये सोचो कि मी टाइम बड़ा ज़रूरी है ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना बेसिकली ये मी टाइम है चाहे आदमी है चाहे औरतें हैं ये जो मी टाइम है ना ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बचाता है आपने नेगेटिविटी को जब अपने अंदर से निकालना होता है तो आपके लिए ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं बजाय आप ये सोच रहे हो ना कि मैंने फलां को कॉल की थी और उससे मेरे कॉल रिसीव नहीं की ज़रूर कोई बात होगी उससे बेहतर है थोड़ा अपनी ज़ात के ऊपर टाइम लगा लो क्या होगा कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी आप नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे आपको अपनी पड़ी रहेगी ये बड़ी अच्छी आदत है नेगेटिविटी को साइड पे करो भाई फ़ोन नहीं उठाया आपसे कभी कभी हो सकता है कि आपका फ़ोन बज रहा आप अवेलेबल नहीं थे फ़ोन नहीं उठाया बाद में उठा लोगे बिजी हो गए तो जैसा अपने बारे में समझते हो दूसरों के बारे में भी वैसा ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो वो उसी सूरत में जब बड़ी बड़ी चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ों को परे करना शुरू कर दो कुछ नहीं होता खैर है हो जाएगा इट्स ओके okay. ये जो इट्स ओके okay का वर्ड है ना ये बहुत बड़ी थेरेपी है सो इट्स ओके करना सीखो और इसको महसूस भी करो तो जनाब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा मैंने आपका ये क्लीन अब आयास एंड ड्रेस का जो है वो पार्ट कर लिया है ना कवर शावर डेली फॉर वर्क वेल कैप्ट शेव हेयर कॉम एंड अप्लाई आफ्टर शेव लोशन लाजमी है सबको पता है आप लोगों को कि आपने ये यूज़ करना होता है क्लीन आईब्रोज नीट एंड क्लीन हेयर कट एंड स्टाइल अच्छा ये मैंने आगे सारी चीज़ों को अलग अलग से दे दिया अच्छा बेटा आपको इन पिक्चर्स में कुछ समझ में आ रही है मैंने आपको पिक्चर्स में क्या दिखाया है मैंने दिखाया नीट एंड क्लीन हेयर कट एंड स्टाइल ऑफिशियली जब आप रूटीन से अपने ऑफिस जा रहे होते हैं ना तो आपका हेयर कट और आपका जो हेयर स्टाइल है ना वो बड़ा बहुत वेल well केप्ट होना चाहिए अगर तो आपके छोटे बाल हैं तो आप उसको लूज़ रख सकते हैं लेकिन आपके अगर बड़े बाल हैं तो फिर उसको लूज़ रखने की ज़रूरत नहीं है आपको वो इट डजेंट मैटर कि जी आप पे वो सूट करते हैं कि नहीं सूट करते हमारे यहाँ बच्चों में ना ये चीज़ भी बड़ी पाई जाती है मुझ पर बंद बाल सूट नहीं करते मुझ पर खुले बाल सूट करते हैं कोई कहता है मुझ पर खुले बाल सूट नहीं करते मुझ पर बंद बाल सूट करते हैं आप पे क्या सूट करते हैं क्या सूट नहीं करता वो आपने ना अपनी सोशल इवेंट्स के लिए रहने देना है आप चाहते हैं ना कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाएं और आपको हरासमेंट का सामना नहीं हो ऑफिस में उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी शख्सियत के ऊपर थोड़ा सा काम करें आप वो करें जो ऑफिशली अच्छा है ना कि वो करें जो आपका करने का दिल कर रहा है जो करने का दिल कर रहा है ना उसको आप सोशल इवेंट्स के लिए रखें ठीक हो गया तो वेल वेलकेप्ड हेयर्स में आपकी लुक्स देख ले कितनी नीट एंड क्लीन क्लीन थी फॉर प्रोफेशनल मैन एंड वुमेन वेल नेल्स एंड क्लीन हैंड्स की जो मैं बात कर रही थी ना कि आधी नेल पॉलिश लगी होती है और आधी उतरी होती है उसका मिट में मैंने पिक्चर भी आपको दी है सैनिटाइजर मैंने आपको बताया था सिर्फ कोरोना के लिए नहीं था वो हाइजीन के लिए और जो आजकल मैंने आपको वायरस बताए हैं उनसे आपको बचाएगा तो आपने प्लीज़ सैनिटाइज़र का यूज़ जो है ना वो जारी और सारी रखना है परफ्यूम मैंने आपको बता दिया कि आपने अपनी मोस्ट जो मॉइस्चराइज प्लेसेस हैं बॉडी की वहाँ पर आपने इसको अप अप्लाई करना है अच्छा परफ्यूम की मैं आपको सिलेक्शन की भी थोड़ी सी बात करूँगी परफ्यूम जो है ना वो रंग बिरंगे नहीं होने चाहिए आपकी शख्सियत का ना एक ही परफ्यूम होना चाहिए कि पता चले कि ये आपका सिग्नेचर है आप गुज़रें आप अंदर बाद में दाखिल हो पहले पता चल जाए कि आप आएँ तो वो एक परफ्यूम काम करती है जब आपने परफ्यूम सेलेक्ट करनी है ना तो आपने जब स्टोर में जाना तो दो तीन घंटे अपने ऊपर लगाएं आराम से खड़े होकर ना परफ्यूम्स को स्मेल करें एक परफ्यूम सूंघने के बाद जब आप दूसरी सूंघेंगे ना तो वो आपको वैसी ही लगेगी जैसी पहले थी उसके लिए आपने क्या करना है आपको हर जगह पर कॉफ़ी बीन्स मिलते हैं जिस परफ्यूम की शॉप पर आप जाएंगे ना वहाँ कॉफ़ी बीन्स पड़े होंगे आपने उनको कहना है कि वो आपको दे दें आपने एक फ्रेगरेंस ली है ना आपकी आपको आपकी स्मेल आपने जो ली है आपने उसको फ़ील किया है छोड़ दें दो मिनट के बाद आपने कॉफ़ी बीस लिए इनल एक्सहेल कर लिया उसको अच्छे से उसके फिर एक मिनट के बाद आपने कोई दूसरी परफ्यूम स्मेल करनी है अपने आप को थोड़ा टाइम देना है आपने फ़ौरन फ़ौरन नहीं अप्लाई करके देखते जाना फिर आपने क्या करना है आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी फ्रेगरेंस थी जो आपको माइल्ड भी लग रही है और आपकी खुशी के हार्मोन को उसने एक्टिव कर दिया है आपको फीलिंग आ जाएगी जो परफ्यूम आपकी खुशी के हार्मोन को एक्टिव करती है ना वो आपकी परफ्यूम है अब वो आपको अच्छी भी लग रही होती है वो आपने जो है ना वो अपने लिए सिलेक्ट करनी है और फिर उसी पर रहना है आपने रंग बिरंगी पर परफ्यूम्स कुछ लोग मैंने देखा है कि वो तीन तीन चार चार परफ्यूम्स मिक्स करके लगा रहे होते हैं पहले एक लगाई फिर दूसरी लगाई फिर तीसरी कि नई परफ्यूम बनेगी वो एंड में इतना गंदा उसका एक्सपीरियंस होता है ना कि वो कुछ और ही बन जाता है तो एक परफ्यूम आखिर किसी ने सोच समझ के बनाई होगी ना तो बेहतर है कि आपने ब्रांड से ज़्यादा ना अपनी खुशी की तरफ जाना है ठीक हो गया हाँ ये देखें ना हाइजीन में आपको छींक आ गई है या आपने वैसे ही आपको फीलिंग आ रही है कि आपके नोज़ में कोई इशू है तो आपका हैंकर चीज़ जो है वो ये काम करेगा या टिश्यू पेपर आपके पास होना चाहिए तो आपके पास ये बहुत सारी बीमारियों से बचाव का तरीका है जो चीज़ें आपको जो प्रॉब्लम कर रही हैं वो दूसरों तक जा सकती है। सिर्फ एक छींक के ज़रिए समझ रहे हो खांसी या छींक है जो वो बैक्टीरिया को फैला देती है तो आपके पास ये चीज़ें होना हाइजीन के लिए आपके लिए भी बहुत अच्छा है और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपसे किसी को कोई कुछ नुकसान ना हो जाए नीट एंड क्लीन सॉक्स अच्छा देखो जिस तरह मर्दों की सॉक्स है ना वो कलर्ड है लेकिन लड़कियों के लिए स्टॉकिंग्स जो है ना वो बहुत एक डिसेंट ऑप्शन होता है ये एक तो ट्रांसपेरेंट होती हैं स्किन कलर की होती हैं आपको पता है सबको तो आप लोग स्टॉकिंग्स की तरफ जाएं अच्छा यहाँ पर ना आप थोड़ा सा शूज़ को डिस्कस कर लेते हैं बिग नो नो फॉर मेसी एंड डर्टी शूज़ एंड कैजुअल शूज़ अच्छा क्या है कि मर्दों के लिए जो है वो भी एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जूते का जो इन इंतखब करना है ना वो आपने बड़ा प्रोफेशनल करना है जूते बंद होने चाहिए अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं तो आप इस तरह की जूतियाँ पहन कर नहीं जाएंगे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा आज जुम्मा है शलवार कमीज पहनी है नीचे आम सी चप्पल पहनिए आज जुम्मा है भाई जुम्मा है तो क्या है पशावरी चप्पल नहीं है पशावरी चप्पल कितनी फॉर्मल लगती है बहुत डिसेंट लगती है अगर शलवार कमीज पहनिए तो आपने ऑफिशियली उसके साथ फिर आप वो पहन सकते हैं इस तरह के ओपन टो शूज़ बहुत अनप्रोफ़ेशनल लगते हैं इस तरह के शूज़ तो आप वॉशरूम के बाहर रख सकते हैं ये बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है इनको प्रोफेशनल लोगों के लिए बेग नो नो है लेसअप शूज़ बहुत प्रोफेशनल होते हैं लेकिन इनको आपने कैरी करना है टू पीस के साथ या थ्री पीस के साथ जो आपके कैजुअल होते हैं ना उसके साथ आप स्निकर्स पहन सकते हैं जो आपके शूज़ हैं बंद हैं और वो हमारे ना पुराने ज़माने में मेरे बचपन में मुझे याद है टेनिस शूज़ आया करते थे जो कि हमें ज़्यादातर पहनने की इजाज़त होती थी स्पोर्ट्स डे पे उसकी रीज़न पता क्या होती थी कि आपने स्पोर्ट्स में चलना है भागना है दौड़ना है तो वो आपके लिए बंद जूते होते थे बंद जूतों का बेसिक मकसद ही ये होता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा इजी कर देते हैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपके लिए चलना फिरना आसान हो जाता है और तो और आपको देख के लगना शुरू हो जाता है कि आप किसी सीरियस माहौल में बैठे हुए हैं ऐसा ही होता है ना आपकी इन्वायरमेंट इस वक्त बहुत सीरियस बनी हुई है आपके जूतों से पता चल जाता है तो जो ओपन टो शूज है वो तो आप आप पहने आपकी चाल ही फर्क हो जाएगी आपको लगेगी आप अपने घर के बरामदे में फिर रहे हो जब आपको फील ही कैजुअल होगा तो आपने क्या इमेज प्रोजेक्ट करना है आपकी चाल में प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो फिर क्या आप जो फील करेंगे वही प्रोजेक्ट करेंगे ये आपने जहन में रखना है हाउ टू ड्रेस वेल फॉर सक्सेस कॉपरेट कलर्स फॉर ड्रेसिंग फॉर मेन एंड वुमेन ये मैं अब आपको आगे बता रही हूँ सबलिमिनल मैसेजेस ऑफ कलर्स ड्रेसेस साइज एंड कार्ड्स रूल्स एंड टिप्स ऑफ ड्रेसिंग फॉर मैन एंड वुमेन सिचुएशनल ड्रेसिंग ज्वेलरी फॉर मैन एंड वुमेन ग्लासेस फ्रेम्स मेकअप फॉर मैन एंड वुमेन एंड शूज नेवी ब्लू ब्लैक एंड ग्रे डीज थ्री कलर्स आर वेरी प्रोफेशनल फॉर मैन ये आपको बिल्कुल एक कॉपोरेट पर्सनलिटी में ले आता है आपने ये कलर्स अपने ऑफिशली इस्तेमाल करने ये बड़े सीरियस कलर्स हैं और इनके जो कॉपोरेट कलर ये देखो फॉर मैं वेस्टर्न ड्रेसिंग में कुछ तो समझ में आ रहा होगा प्रोजेक्टर में ना ग्रे के डिफरेंट शेड्स हैं ब्लैक के डिफरेंट शेड्स हैं और नेवी और डार्क नेवी है कॉपरेट कलर्स फॉर ड्रेस शर्ट्स ये बड़ा अच्छा है ये ज़रा गौर से देखेगा इसमें शेड्स ऑफ वाइट ऑफ वाइट और स्काई ब्लू आ जाएगा ये लीजिए फॉर ड्रेस शर्ट्स आपके पास कलर्स आ जाते हैं वाइट ऑफ वाइट पिंक और स्काई ब्लू पिंक का वो वाला शेड है जिसको आप पाउडर पिंक बोलते हैं और ब्लू का वो वाला शेड है जिसको आप पाउडर ब्लू बोलते हैं ये वाइट कलर होता है लेकिन इसकी थोड़ी सी झलक ब्लू की तरफ जा रही होती है आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना अच्छा ये सर का जो कलर है ना ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा पिंक की टोन की तरफ या येलो की टोन की तरफ जा रहा है मतलब वो होता वाइट ही है होता वाइट ही है लेकिन उसमें आपको आपकी शक्ल आपकी आंखों के आगे से कोई शेड गुजर रहा होता है ना जो ये वो वाला होता है वाइट सिचुएशनल कलर्स फॉर शर्ट्स फॉर मैन बेटे ये जो येलो कलर्स है ना ये बेसिकली ऑफ वाइट्स हैं ये प्रोजेक्टर में आपको ऐसे नजर आ रहे हैं शेड्स ऑफ ऑफ वाइट है न्यूट्रल कलर्स फॉर ड्रेसिंग फॉर वुमेन आप लोग देखें एक्टिव हो जाएं जरा आपके बारे में बात हो रही है न्यूट्रल कलर्स फॉर ड्रेसिंग फॉर वुमेन न्यूट्रल कलर्स कौन से होते हैं जो बहुत ज्यादा लाइटर टोन्स में जा रहे होते हैं जिनको हम जमीनी रंग भी बोलते हैं ओकर कलर्स भी बोलते हैं ये वो कलर्स हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे सटल से लाइट कलर्स आप पहन कर जा सकते हैं इन कलर्स में इंसान बहुत ज़्यादा सोबर लगता है और हर कलर का अपना एक सब्लिमिनल मैसेज होता है तो ये आपको पीस कामनेस लॉयल्टी और कह लें कि फ्रेंडली ये सारी चीज़ें आपको मैसेज दे रहा होता है बट एट द सेम टाइम ये बड़े फ्रेंडली कलर्स होते हैं अप्रोचेबल होते हैं ठीक है ये स्मूथ कलर्स हैं आपने जब कलर्स की तरफ जाना है तो आपने न्यूट्रल कलर्स को डेली वेयर के लिए पहनना है अच्छा पावर कलर्स फॉर ड्रेसिंग ये जो पावर कलर्स हैं ये फॉर वुमेन मैं आपको दिखा रही हूँ पावर कलर्स में आपके डार्कर कलर्स आ जाते हैं पावर कलर्स आपने उस वक्त पहने होते हैं जब आप किसी सीरियस पोस्ट पे होते हैं अथॉरिटेटिव होते हैं ये आपके सारे सीरियस कलर्स हैं इसमें आप आपके पास मरून है डार्क मरून है ब्लैक है डार्क नेवी है डार्क रॉयल ब्लू है आपके पास है ये ओशन ब्लू ग्रे है ब्लैक है और वाइट के डिफरेंट शेड्स हैं सब लिमिनल मैसेजेस ऑफ कलर्स साइकोलॉजी कहती है कि हर रंग अपना एक मतलब बयान करता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में जब आप उसको कैरी करते हैं

उसके लिए ना ये सजेस्ट किया जाता है कि वो डार्क ग्रे ब्लैक जेड ब्लैक और डार्क नेवी कैरी करे क्योंकि उससे पता चलता है कि वो एक सीरियस पर्सनालिटी और अथॉरिटेटिव भी है नेवी ब्लू जो है वो भी पावर अथॉरिटी एंड इम्पॉर्टेंस बताता है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं इस अदारे में और इसके साथ साथ ये एक फ्रेंडली कलर है अप्रोचेबल कलर है स्काई ब्लू के अपने कलर्स हैं ये लॉयल्टी विजडम कॉन्फिडेंस इंटेलिजेंस पे थ्रोथ And heaven soft soothing compassionate and caring blue is an intro इंट्रो uh, introspective color. ये जो sky blue है इसके अंदर ये सारी qualities पाई जाती हैं जो मैंने आपको points में दी है तो क्या है कि ये कलर जब आप कैरी करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके बारे में ये मैसेजेस दे रही है ग्रे कलर मीनिंग दिस कलर caution कॉशन एंड कॉम्प्रोमाइज ग्रे give गिव अ सेंस ऑफ पीस टू viewer. तो क्या है कि ग्रे कलर जो है ना वो आप अब मैं आपको एक इस तरह डिपार्टमेंट समझा रही हूँ सी का मैंने आपको बताया था कि वो अथॉरिटेटिव है मैनेजर का बता दिया कि वो नेवी ब्लू है वो फ्रेंडली है लेकिन जो एच है ना जो ह्यूमन रिसोर्स है जिसने एडजस्ट करना है वो इन शेड्स में जाएगा सूदिंग कलर्स में ग्रे इज़ अ सूदिंग कलर बेसिकली उसने एडजस्ट करना है कैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान उसने चीज़ों को सेटल करना है जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है उसका ये काम होता है कि वो चीज़ों को बड़ा स्मूथली लेके चले किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस को हैंडल करे और आपस में दोनों को बना के रखने पर आमादा करे तो ये वाला कलर जो है ना ये मैसेजेस देता है इस कलर के आसपास के जितने शेड्स हैं वो एच के कलर्स हैं वाइट कलर मीनिंग किसको नहीं पता प्योरिटी पीस एंड क्लीनलीनेस ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स हैं अच्छा इसमें आपको मिलेगा आ, एक लूज़ uh, फिट और इसमें आपको एक मिलेगा uh, क्या उसको बोलते हैं स्मार्ट फिट जो स्मार्ट फिट होता है ना वो आपके लिए नहीं है कॉरपोरेट सेक्टर में ना ही लूज़ फिट आपके लिए स्मार्ट फिट वो होता है जो बिल्कुल बॉडी के साथ टाइट होता है बिल्कुल फ़िटिंग में शेप में जिसको पहन के आप मर्द से ज़्यादा औरत लग रहे होते हैं क्योंकि बॉडी बहुत शेप में आ जाती है दैट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल एक होता है स्मार्ट फिट अच्छा एक होता है सॉरी लूज फिट लूज फिट होता है बैगी आपने पहना हुआ है आप कहीं जा रहे हैं आपका ड्रेस कहीं जा रहा है वो लगता है कि आपने अपना जोड़ा नहीं पहना हुआ बड़े भाई का या बाबा का जोड़ा पहना हुआ है राइट तो ये वाले जो ड्रेसेस है ना दो ये आपके नहीं है आपके लिए फिट है ना लूज फिट है ना स्मार्ट फिट है आपके लिए है फिट फिट क्या है कि वो आपकी बॉडी के टाइप के हिसाब से बना होता है लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा लूज़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा शेपी होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है जिसकी कोई बॉडी शेप नहीं होती लेकिन वो आपके बल को क्लोज होता है आपको देखने से लगता है कि आप मैनली हैं आपकी बॉडी के शेप को वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर रहा होता तो ये होता है लड़कों के लिए फ़िट तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने जब प्रोफेशनल लाइफ में आना है आपने अपने फ़िट को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप कस्टमाइज ड्रेसिंग की तरफ जाएं, आपने रेडीमेड कपड़ों की तरफ नहीं जाना क्योंकि आपकी बॉडी टाइप ऑफ कोर्स डिफरेंट है आपका शोल्डर एक दूसरे से डिफरेंट है आपकी कमर आपके हर एक दूसरे से डिफरेंट है इवन कि आपके गले की अगर आप लेंथ गर्दन की लेंथ देखेंगे तो वो भी डिफरेंट है तो कस्टमाइज़ क्या करती है आपके बॉडी टाइप को मैयर करके उसके हिसाब से आपका पैटर्न तैयार होता है बट अगर आप रेडीमेड की तरफ जाते हैं वहाँ पे क्या होता है ब्रांड्स में मैं काम करती रही हूँ मैंने खुद इस चीज़ को पढ़ा और देखा है जो मैस uh, प्रोडक्शन है ना उसमें यह होता है कि एक पैटर्न बन जाता है उस पैटर्न के ऊपर रख के बारह या पंद्रह जोड़ों की कटिंग होती है मशीनों से तो वो बस एक एक कैजुअल फिट है और वो बनता है सबके लिए और क्या होता है कि हमारे बच्चे ब्रांड के पीछे आके ना वो जाके कहते हैं बस ये फलाने ब्रांड का तो मैंने तो ये ज़रूर पहनना है ये फलाने ब्रांड का है मैंने ज़रूर पहना है आप ब्रांड की तरफ ना जाएं आपने खुद ब्रांड बनना है आप ये देखें कि आप ब्रांड हैं ट्रेंड आपसे बनता है आपने ट्रेंड चलाना है आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं करना समझ रहे अच्छा बिफोर आफ्टर में देखें गुड फिट वर्सेस बैड फिट आपको खुद अंदाज़ा रहा है आप ये देखें कि जो बिफोर है ये है बैड फिट बैड फिट में आप इसकी टाई का ब्रॉडनेस चेक करें इसका लिपल साइज लिपेल्स होते हैं ये जो आपके कोट के ऊपर के कॉलर्स होते हैं आपने बेटा कोट पहना हुआ ना आप इधर आओ टर्न करें अच्छा जी ये है लेपेल पीछे हो जाए ये बैक साइड है इनको बैक साइड शो करें ये बैक साइड का जो एक पोर्शन है वो आपका है वेंट ठीक है वेंट आपका बहुत मैटर करता है आपका जो ये कट है कोट का बैक साइड वाला कट बेटा थैंक यू सो मच ये जो वेंट है ना जो आपका कट है ये बहुत मैटर करता है ये जब आप जाते हैं फिट की तरफ तो आपने देखना है कुछ लोग होते हैं हैवी और कुछ लोग होते हैं स्लिम जो हैवी लोग होते हैं ना वो वेंट की तरफ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्लिम होते हैं जिस तरह ये बच्चा है आपने इसकी फिज़ीक देखी है इसके लिए ये कट ठीक है लेकिन अगर कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा ओवर है तो वो अगर इसको फॉलो करेगा ना तो वो इस पर सूट नहीं करेगा क्योंकि हैवी बॉडी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकेगी तो आपने सबसे पहले तो आप गूगल में आपको ये डाटा बहुत इजीली मिल जाएगा आपने सिर्फ़ एक कोट कैरी नहीं करना आपने पूरा अपना एक पोस्चर क्रिएट करना है आपने ना कोट के बारे में पढ़ना है कि आपके कोट का लपेल किस साइज़ का होना चाहिए आपका वेंट कैसा होना चाहिए आपके कोट की लेंथ कितनी होनी चाहिए आपके कोट का जो स्लीव है वो आपके शर्ट के स्लीव से कितना अंदर बाहर होना चाहिए बड़ी मिथ्स बनी हुई है लेकिन आप जब अच्छी रिसर्च पढ़ेंगे ना तो आपको इसकी नॉलेज आएगी आपने कोट के फिट को ऐसे ही नहीं रेडी कर लेना और आपने जाके किसी सेल बॉय से नहीं मदद मांगनी क्योंकि ये नॉलेज उनके पास नहीं है ये नॉलेज आपने खुद से पढ़नी है आपने जाके उसको बताना है कि मेरे लिपेल का साइज़ ये होना चाहिए देखो ना आपकी इतनी बॉडी नहीं है अब अगर आप बड़े बड़े लपैल्स वाला कोट पहनोगे तो क्या होगा आप आउट ऑफ पोस्चर लगोगे और जो हैवी लोग हैं उनका साइज बड़ा होगा ऑब्वियसली उनकी बॉडी के हिसाब से होगा तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत मैटर करती हैं और ये उसी सूरत में कि जब आप इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दें अब आप ये देखें कि इस बंदे की बॉडी जो है बिफोर में ये आउट ऑफ पोस्चर लग रहा है लेकिन आफ्टर में जब कस्टमाइज ड्रेसिंग की तरफ ये आया है तो इसकी वही बॉडी जो इतनी ब्रॉड लग रही थी वो कैसे एक चीज़ों को उसने सेंचुएट कर दिया है उसकी कुछ चीज़ों को कैमोफ कर दिए क्या था इसकी बॉडी थी थोड़ी ब्रॉड इसने गलती क्या की कि इसने अपनी बॉडी के हिसाब से हर चीज़ को ब्रॉडर वे में ले गया तो क्या हुआ एक तो वो पहले ही ब्रॉड है ऊपर से जब हर चीज़ को वो ब्रॉड वे में ले गया तो वो और ज्यादा ब्रॉड हो गया आपने ऐसा नहीं करना ना तो थिन लाइंस में जाना है जो थोड़े से टॉल और ब्रॉड हैं वो थिन लाइंस की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि फिर भी आप आउट ऑफ पोस्टर चले जाएंगे बहुत ब्रॉड लाइन्स में जाएंगे फिर भी आप बिल्कुल आउट ऑफ पोस्चर हो जाएंगे सेम लाइक दैट विद गर्ल्स अगर आपकी बॉडी बहुत स्लिम है और आप पिन लाइंस की तरफ ड्रेसेस के टेक्सचर्स पे जाते हैं तो भी आप ख़राब लगेंगे और अगर आप बहुत मोटे की तरफ जाते हैं तो फिर भी आप आउट ऑफ द पोस्चर हो जाएंगे तो आपने अपनी फिजिक के हिसाब से टेक्सचर्स की सिलेक्शन करनी है तो ये आपको लुक देता है गुड वर्जिज बैड फिट की रॉन्ग फिट एंड राइट फिट फॉर वुमेन अच्छा आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा रॉन्ग फिट और राइट फिट में जो है थोड़ा सा फ़र्क बताना चाहूँगी मुझे इसका जो बच्ची का जो ड्रेस है इसमें मुझे इसकी नेक लाइन डिस्टर्ब कर रही थी ये अगर वेस्टर्न ड्रेसिंग में जा रही है तो हमारे यहाँ वेस्टर्न ड्रेसिंग में भी थोड़ा सा ईस्टर्न टच होना चाहिए अगर आप कॉपरेट सेक्टर में काम करते हो और आपको वेस्टर्न ड्रेसिंग कैरी करनी पड़ती है तो आपने ये देखना है कि आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो कैमोफ्लॉज हो जाए ना कि एक होना शुरू हो जाए ना कि ज़ाहिर होना शुरू हो जाए तो आपका फिट इतना होना चाहिए कि आपके बॉडी पार्ट्स हिडन फॉर्म में आए और आपको एक एक डिसेंट और सीरियस लुक मिल जाए राइट फिट फॉर वुमेन अच्छा बेटा आप इसमें जिस तरह मर्दों के लिए मैंने फिट्स बताए थे ना एक था बहुत लूज फिट एक था टाइट फिट और एक था नॉर्मल फिट ठीक है अच्छा नॉर्मल फिट में आप देखिएगा ये वाला ड्रेस है ना कुछ बच्चियों के ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जब वो पहनती हैं तो ऐसा लगता है पहनने के बाद उसकी सिलाई हुई है वो इतना ज़्यादा शेप ही होता है दैट लुक वेरी अनप्रोफेशनल पूरी पूरी डिस्ट्रैक्शन है दूसरे ड्रेसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा बैगी हो जाते हैं वो देख रहे हो आप बिल्कुल बैगी बॉडी कहीं जा रही है कपड़े कहीं जा रहे हैं ये देखें इसमें आपको बॉडी में शेप नज़र आ भी रही है और नहीं भी आ रही तो क्या है कि इन्होंने आपने लूज फिट की तरफ जाना है लूज फिट क्या होता है उसमें आपको बॉडी की शेप नहीं दी जाती आपको स्ट्रेट कर दिया जाता है बिल्कुल तो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में बच्चियों के लिए सजेशन है कि आपने लूज फिट सेलेक्ट करना है लड़कों का तो थोड़ा ऑपोजिट था ना आप लोगों का थोड़ा सा ऑपोजिट है आप लोग इसको नोट कर लें ड्रेसिंग रूल्स टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर मैन हाउ टू कैरी कोट नेवर फोर गेट टू अनबटन द जैकेट वेन यू सिट डाउन ऑफकोर्स जब आप बैठते हैं तो आप अगर आपने बटन्स वाला कोट पहना हो तो बटन्स खोल कर बैठेंगे ऑलवेज कीप द टॉप बटन ऑफ योर शर्ट बटन ऑलवेज कीप द टॉप बटन ऑफ योर शर्ट बटन आपका जो बहुत सारे बच्चे जब ड्रेस शर्ट पहनते हैं तो उसका जो टॉप बटन होता है ना उसको इतना चोक कर देते हैं कि बॉडी बिल्कुल ऐसा तो फांसी लग गई है इतना भी ओवर होने की ज़रूरत नहीं होती आपने अपना सेकेंड लास्ट बटन को बंद कर लें लेकिन जो बिल्कुल ऊपर वाला है ना उसको आप लूज़ रहने दें नो प्रॉब्लम एट ऑल हाँ लेकिन अगर आपका उसके प्रोडक्शन में थोड़ी ख़राबी है और एक बटन भी खोल के आपको लगता है कि आप मैसी लग रहे हैं और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फिर नहीं चलेगा फिर नहीं चलेगा आप ऑफिस में बैठे आपने देखा है कॉपोरेट uh, सेक्टर की बात करें हमारे नॉर्मली बैंकर्स के साथ आपका अगर ज़्यादा उठना बैठना हो तो आप नोट करेंगे जब वो अपने ऑफिस आते हैं ना तो अपना कोट उतार के ना अपनी सीट के पीछे लटका देते हैं ये थोड़े से ना मैनर्स हैं टिप्स और टेक्निक्स हैं अब वो गाड़ी से निकलेंगे तो कोट पकड़ लेंगे कोट पहन कर अंदर आएंगे जब वो बैठने लगेंगे मैं कहती हूँ पूरी एक जिम्मेदारी है पैंट कोट पहनना अब आप कमरे में आएंगे अपने ऑफिस में तो फिर अपना कोट उतार के रखेंगे और नहीं तो अगर आपकी मीटिंग है तो सिर्फ आप बटन उसको अनबटन करेंगे और बैठ जाएंगे फिर अब आपने थोड़ा सा इजी होना है तो आप अपना ऊपर वाला बटन लूज़ कर देंगे क्योंकि पहले तो आपने बंद किया हुआ था लेकिन ये आपके मैनर्स और टिप्स हैं कि आपने किस वक़्त अपने ड्रेस आ, को किस तरीके से सेट करना है डोंट लेट शर्ट कफ्स गो ओवर योर हैंड्स अगर आपके कफ्स इधर पहुंचे होंगे तो वो कितना मैसी लगेगा इसकी लेंथ होगी आपके बाजू में ये वाली जो चीज़ है आपका जो कफ है ना वो उससे हाफ इंच पीछे होना चाहिए शर्ट की बात हो रही है कोट का उससे भी छोटा होगा क्या होगा कि आपकी शर्ट का जो स्लीव है वो यहाँ पर अगर है तो उससे एक इंच कम होगा आपका कोट का स्लीव वो वहाँ पे एंड हो जाएगा कुछ लोग कहते हैं कि ये मिथ है ये मिथ उस सूरत में है कि जब ये डेढ़ इंच ऊपर हो जाए वो बुरा लगेगा इतना ज़्यादा जब आपका स्लीव का कफ बाहर निकला होगा तो वो बुरा लगेगा लेकिन एक रूल के मुताबिक इसका एक इंच या आधा इंच आपका छोटा होना जरूरी है कोट के स्लीव का आपकी शर्ट से नेवर लुक लाइक यू चोक योर सेल्फ कोर्स वो जो भी हमने बात की है ना कि सारे बटन अगर आप बंद कर लें तो वो ऐसे लगता है कि आप आपको फंसे फंसे हुए अपने ड्रेस के अंदर तो वेस्टर्न ड्रेसिंग का एक ये बहुत इशू है वेयर ओनली अ जैकेट दैट फिट्स ऑफकोर्स नेवर लेट योर सॉक्स बी सीन आपकी सॉक्स ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपकी पैंट ऊपर जा रही हो और आपकी सॉक्स बिल्कुल बाजारी नज़र आ रही हो उसका टेक्सचर क्या है उसका कलर क्या है इट्स रूल ऑफ वेस्टर्न ड्रेसिंग सूट जैकेट बटनिंग रूल्स बेटा ये बटनिंग रूल्स हैं कौन सा बंद होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए ऑलवेज ऑलवेज एंड नेवर यानी दूसरा वाला बटन बंद नहीं होना चाहिए ये ऑप्शनल है जो सबसे ऊपर है ये हमेशा बंद होना चाहिए और ये नहीं बंद होना चाहिए थ्री बटन टू बटन वन बटन की स्टोरी है इसकी पिक्चर ले लें या इसको नोट कर लें सिंगल ब्रेस्टेड सिंगल ब्रेस्टेड टू बटन सूट सिंगल ब्रेस्टेड थ्री बटन सूट तो ये इसका आपको आइडिया हो गया हो गया रूल्स ऑफ वेयरिंग ब्रेस्ट शर्ट हाँ ये अभी हमने जो बात की थी आपकी प्रॉपरली टक इन होनी चाहिए शर्ट ड्रेस शर्ट की बात हो रही है कैजुअल शर्ट में कोई और माहौल हो सकता है बट ड्रेस शर्ट में अलाउ नहीं है इसको आपने टक इन करना है देन आपका कोट उसके ऊपर आपने कैरी करना है दीज आर टेक्सचर्स यू कैन कैरी इन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट इसके अलावा कोई भी अगर प्रिंट है तो वो बिग नो नो फॉर यू आप स्ट्राइप्स में जा सकते हैं आप चेक्स में जा सकते हैं आप इसके अलावा और किसी भी प्रिंट या किसी भी चीज़ में नहीं जा सकते इवन के पोलका डॉट्स में भी नहीं जा सकते हाँ ये टाइज की बात हुई थी बेटा मैंने आपकी टाई देख के स्टार्ट में बोला था राइट अच्छा टाइज आपके लिए कौन सी अच्छी है पोलका डॉट्स वाली टाइज अभी एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि शर्ट में पोलका डॉट्स नहीं होने चाहिए बट आपकी टाई में पोलका डॉट्स बहुत डिसेंट लगते हैं ये प्रोफेशनल टेक्चर है आप रेप टाइज और पोलका डॉट्स और चेक्स पहन सकते हैं टाइज में लेकिन टाइल्स के कलर्स ये होने चाहिए जो मैंने मेंशन किए मरून हो सकता है नेवी ब्लू ब्लैक स्काई ब्लू ब्लू के कोई भी शेड्स हो सकते हैं करेक्ट लेंथ टू वेयर अ टाई अब आप ये देख लें कि मैंने नीचे राइट लगाया हुआ आपको पता चल जाएगा कि विच इज द राइट लेंथ अच्छा आप ये देखें कि आपकी बेल्ट है आपकी बेल्ट के ऊपर आपकी टाई आ रही है उससे लंबी होगी तो वो रॉन्ग है उसकी लेंथ रॉन्ग है और अगर ये बेल्ट से ऊपर होगी तब भी रॉन्ग है तो क्या है कि जहां पे आपकी बेल्ट होती है उसके मिड में या उसके मिड से थोड़ा सा ऊपर आपकी जो है वो टाई की लेंथ होनी चाहिए सो दीज आर द रूल्स हाउ टू कैरी बेल्ट ये देख लें हैवी बकल नहीं होना चाहिए लाइट प्रोफेशनल बकल होना चाहिए राइट वर्सेस रॉन्ग ये मैंने आपको साथ इसका दे दिया डू नॉट वेयर बेल्ट विद फ्लैशी एंड ब्रॉड बकल्स बिग नो नो फॉर दीज लोगोज और ये सब ठीक है ना कॉपरेट लुक फॉर वुमेन बेटा आप ये चेक कर लें आप में से कोई एक बच्ची मुझे ये बताएगी जो मैंने कॉपरेट लुक फॉर वुमेन दी है इसमें एक बात चारों फिट्स में सिमिलर है वो क्या है चारों ड्रेसेस में कोई एक चीज़ है जो बिल्कुल सिमिलर है वो क्या चीज़ है प्लेज यू कैन से दैट बट नहीं इसमें तो ब्लेजर नहीं है चारों पिक्चर्स में एक चीज़ सिमिलर ये है कि सारे प्लेन है सारे प्लेन है या फिर अगर कोई कैरी किया गया है तो वो कोट या गाउन की सूरत में सेकंड कलर का ऑप्शन दिया गया है अदरवाइज और कोई कलर का एडिशन बीच में नहीं हो सकता सो so ये आपके कॉपरेट लुक के कलर्स हैं कि आपने बिल्कुल सादे रंग पहने और एक ही कलर का जोड़ा होगा आ गया ये आपका रूल है प्रोफेशनल लाइफ का सॉलिड कलर्स इसको आप बोलते हैं सिंगल कलर को सॉलिड कलर ड्रेसेस फॉर वुमेन ये अगर ये प्रिंट पहन लेते हैं ना तो हम बोली जा रहे होते हैं बोली जा रहे होते हैं अगला बंदा पता है क्या सोचा था हाय इसको देख कर तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है ये बड़ा फ्लैशी कलर है इसके साथ ना फ्ला कलर होता तो ये अच्छा लगता ऐसे जहन में आते हैं ना सवाल तो क्या होता है आपका कंटेंट तो रह जाता है पीछे लेकिन आपका प्रिंट अच्छा खासा डिस्कस हो जाता है आपकी पर्सनालिटी हो जाती है गायब और बाहर क्या आ जाता है आपका प्रिंट गलत कह रही हो सही कह रही हो ना अच्छा ओनली प्रिंट्स वुमेन कैन कैरी इन ऑफिस ये ये सारे प्रिंट ना लड़कियाँ फॉलो कर सकती हैं इसके अलावा कोई फूल बूटे नहीं जुलम बड़ा जुलम है हाँ ये आप पहन सकती हैं लेकिन सिर्फ शर्ट की सूरत में शलवार की या ट्राउज़र की सूरत में नहीं वो फिर लगेगा कि आपका नाइट सूट है या फिर ट्रैक सूट है आपने वाइट ट्राउज़र या ब्लैक ट्राउजर के साथ वाइट दुपट्टा या ब्लैक दुपट्टे के साथ आप ये वाले प्रिंट कैरी कर सकती हैं इनको बोलते हैं जोमेट्रिकल प्रिंट्स तो जो भी जोमेट्रिकल प्रिंट्स हैं ना मे भी एक दो इसमें मिसिंग हो सकते हैं तो जोमेट्रिकल प्रिंट्स आप कैरी कर सकती हैं। आई थिंक इसमें मैंने आपको शायद ग्लासेस दिखाने की कोशिश की है <laughs> नीचे पॉइंट मेरे से मिस हो गया ग्लासेस का जो फ्रेम होता है ना वो आपके फेस के शेप के हिसाब से होता है जैसे आपका हेयर हेयर कट होता है ना आपके फेस शेप के हिसाब से सेम लाइक दैट आपका जो है न ग्लास uh, जो है वो उसके हिसाब से होता है अंक्रीब ना हम इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं कि हमने फेस की मेजरमेंट कैसे करनी है हमारे जितने यहाँ पर इस वक्त लोग बैठे सबका फेस शेप डिफरेंट है ठीक है ना किसी का स्केयर है किसी का राउंड है किसी का रेक्टेंगुलर है किसी का ओवल है हम सब के उसकी मेजरमेंट का तरीका होता है इसकी जो मेजरमेंट होती है ना वो आपको बताती है कि आपके ग्लासेस का आपने एक चीज़ नोट की जब आप लोग ग्लासेस सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं आप शीशे के आगे खड़े होकर लगा रहे होते हैं लगा रहे होते हैं आपको नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है ये नहीं अच्छा लग रहा वो जो अच्छा लग रहा होता है ना वो एक्चुअली आपकी फेस शेप के हिसाब से होता है तो ये भी आपने नोट करना है कि आपका फेस शेप क्या है अच्छा इसका क्या तरीका है अगर आपकी फेस शेप है ना स्केयर में या रेक्टेंगल में तो आप रेक्टेंगल या स्केयर में फ्रेम नहीं लेंगे क्योंकि अगर आपने लिया तो फिर आपकी शेप हाईलाइट हो जाएगी वो तो लगेगा कोई डब्बे के ऊपर डब्बा है डब्बे में डब्बा डब्बे में केक ठीक है वो बिल्कुल ही डायरेक्ट हो जाएगा आपने हमेशा ना उल्टा प्ले करना है अगर आपकी फेस शेप स्केर है तो आपने फिर उसको आ, करने के लिए ना थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आप सर्कल में चले जाएंगे राउंड फ्रेम्स में चले जाएंगे या ओवल में चले जाएंगे आपने बस ये रूल याद रखना है कि ये ऑपोजिट की गेम है और अगर आपका फेस शेप राउंड है तो फिर रेक्टेंगुलर फ्रेम आपके ऊपर बड़ा अच्छा लगेगा ठीक है ये आप आप लोगों ने खुद नोट करना है मेकअप फॉर प्रोफेशनल मैन है जी आपका मर्दों का मेकअप क्या है आपने अच्छे से बाल बनाए हो और उसके ऊपर आपकी जो है ना ये जो हेयर जेल होती है वो लगाइए सुबह अगर आप ये फिक्स करेंगे शाम तक आपके बाल बड़े सेट रहेंगे यूज फेस मॉइस्चराइज़र अप्लाई सन ब्लॉक वेल बियर्ड प्रॉपर शेव ये आपका मेकअप है ख़वातीन का अच्छा ये आपकी मेकअप की लुक मैंने सात पिक्चर्स में दी है कि आपको अंदाज़ा हो जाए मेकअप फॉर प्रोफेशनल वुमेन सन ब्लॉक है फेस फाउंडेशन फेस पाउडर लिपस्टिक मस्कारा काजल इसके अलावा कोई चीज तुम्हारा मेकअप नहीं है प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में पता चले इतना बड़ा बड़ा काजल और लाइनर और उसके ऊपर आई मेकअप ये नहीं चलता ठीक है वो डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं करना नो मेकअप लुक फॉर प्रोफेशनल वुमेन ये तो बिल्कुल ही नो मेकअप लुक हो गई है ये नहीं मैं कह रही ये तो लग रहा है कि सो के उठे और उठ के चले गए वो लुक देखो वो लुक है ज्वेलरी फॉर प्रोफेशनल मैन सर आपकी ज्वेलरी क्या है आपकी रिस्ट वॉच है आपके ग्लासेस है पेन मैंने सुना है जो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनकी ज्वेलरी में वो अपने साथ एक पेन जरूर टाई करते ये भी एक सिग्नेचर लुक होती है लो जी ज्वेलरी फॉर प्रोफेशनल लेडीज स्टार्ट आर टॉप्स चेन रिंग रिस्ट वॉच बस कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका इतना बड़ा बड़ा कोई ऊपर कुछ हो जो डिस्ट्रैक्शन का आ रहा हो शूज़ फॉर मेन जो मैंने आपको कहे थे ना बंद शूज वो लेस लेसअप्स हो सकते हैं वो आपके स्नैकर्स हो सकते हैं बिग ऑफ वॉर दीज शूज़ इस तरह के जो शूज़ हैं ना स्टेटमेंट वाले वो नहीं कोई डिज़ाइन है कुछ कट है ऊपर तो वो आपका नहीं है शूज़ फॉर प्रोफेशनल वमेन देखें बंद हैं सारे कोट शूज हैं पम्प्स हैं अलाउ दीज ऐनली थिंग यू कैन कैरी बिग नो नो फॉर दीस टाइप ऑफ शूज क्योंकि ये आप रहने दीजिए अपने सोशल इवेंट्स और सोशल गैदरिंग के लिए क्योंकि इसको पहनकर जो है ना आपको बड़ा कैजुअल फील होगा और जब फील ही अच्छा नहीं होगा तो फिर आपके अंदर वो प्रोफेशनल फील आएगी नहीं वाओ बेस्ट ड्रेस्ड मैन इन पाकिस्तान हम यहाँ पे किसी को पोलिटिकली नहीं कर रहे हम सिर्फ पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं ना बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और वो मैंने सबको डाल दिया फिर भी बीच में मेरे का कोई ये ना कहे कि मेरे लीडर को नहीं डाला ठीक <laughs> है अच्छा वैसे गलत बात की है मैंने इन सब की ड्रेसिंग कितनी अच्छी है बेस्ट इन पाकिस्तान आवर चॉइस ऑफ क्लोदिंग हेयर स्टाइल एंड आल्सो फैक्टर्सोसिडर्ड अ मींस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी जज प्लीज जज योरसेल्फ़ सेल्फ बिफोर पीपल जज यू थैंक्स काफ़ी डिटेल हो गया ना मज़ा आया कुछ समझ में आया हाँ कोई चीज़ पूछ रही है हाँ <laughs> हाँ <laughs> हा? <laughs> नहीं फ्रेम अगर एक्यूरेट है तो वो सही लग सकती है उसका फ्रेम थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है हैवी फ्रेम नहीं होता उसके साथ आप वो वाले ग्लासेस लगा सकते हैं जो फ्रेमलेस होते हैं आपको समझ में आई फ्रेमलेस ग्लासेस कौन से होते हैं मैं देख रही थी किसी ने अगर लगाया हो तो सर आपका जो फ्रेम है ना ग्लासेस का बेटा ये वाला जो फ्रेम है ना ये है फ्रेमलेस ये जिसके आपके एजेस पे कोई और कलर ना हो तो ये वाले आप इजीली कैरी कर सकते हो और कोई चीज शर्ट के कलर्स आप देखें पाउडर ब्लू स्काई ब्लू वाइट ऑफ वाइट ग्रे जी पेंट्स में लिखे नेवी ब्लू ब्लैक ग्रे ग्रे एंड एक कलर होता है जिसको आप खाकी कलर बोलते हैं ना खाकी जो है ना वो आपका बेज कलर होता है आप इसको बेज लिख लीजिए कोट अगर, अगर आपने कैरी करना तो पहले तो मुझे स, मेरा सवाल है कि कोट किसके ऊपर कैरी करना चाह रहे हैं शलवार के मीज़ पर पे कि पेंट शर्ट के ऊपर पेंट शर्ट के ऊपर आप दो कर सकते हैं एक तो आपका है ड्रेस कोट और दूसरा आपका स्पोर्ट्स कोट तो अगर तो आपने ड्रेस कोट की तरफ जाना है तो फिर तो वो पूरा सेट ही अच्छा लगेगा ठीक है अगर आपने नॉर्मल पेंट कैरी की हुई है और उसके साथ शर्ट है तो फिर आपके लिए स्पोर्ट्स कोट एक अच्छा ऑप्शन है स्पोर्ट्स कोट में भी सेम यही कलर्स आ जाते हैं लेकिन ग्रे सबसे ज़्यादा डिसेंट लगता है अगर पूरा कैरी कर, कर रहे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया है डार्क नेवी नेवी चाकुल ग्रे और ब्लैक बेटा ग्रे कलर बहुत डीसेंट है अच्छा अगर आप स्पोर्ट्स कोट नहीं कैरी कर रहे तो फिर आप वेस्ट कोट कैरी कर सकते हैं आजकल गर्मी आए ना वेस्ट कोट आपके लिए ग्रे कलर बहुत अच्छा है ब्लैक कलर बहुत अच्छा है ये दो कलर्स बस ब्लेजर में, में नेवी ब्लू आप ऐड कर लें हाँ अब आया के कलर्स कलर। कलर। बेटा टी पिंक पैशियो ग्रीन मूंगिया ग्रीन मैं तुम लोगों को सिंपल उसमें समझा रही हूँ कलर्स में लिख रहे हो अच्छा ठीक है फॉर्म कलर बॉटल ग्रीन एक होता है ब्लैकिश पर्पल जो ये इस बच्ची ने पहना हुआ है ना ये और मरून uh, है और कैमल ब्राउन स्टॉल सेम कलर सेम कलर मैचिंग में नहीं जाना ठीक है अगर आपने एक डिसेंट लुक क्रिएट करनी है ना तो फिर आपने सेम कलर में जाना है आप लोग ना इस कीजिएगा कि मैंने आ, मैं आपको किस तरह पिक्चर्स भेज सकती हूँ आपका कोई ग्रुप बना हुआ इधर फाउंडेशन का? का कौन सा है बैच फोर के स्टूडेंट्स हैं ठीक है मैं बैच फोर में जो है ना इनसे कहती हूँ कि कुछ ऑप्शंस में भेजूँगी अब आयास की वो आपको पहुँचा दें आपके लिए आसानी हो जाएगी तो अगर आपने बैच फो आपने मेरे से पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ शिट अगर आपने पढ़ा होता तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होती हैं अबायाज़ के टेक्सचर्स भी और अगर आपने अबाया के साथ स्काफ लेना है तो बड़ी हद है सेम कलर में ना आप टेक्सचर्ड में जा सकते हैं लेकिन वाइट के साथ और किसी चीज़ के साथ नहीं जिसना अगर आपका टी पिंक है तो टी पिंक और ऑफ वाइट बहुत डिसेंट लगेगा तो वो आप टेक्सचर्ड उसके साथ स्काफ ले सकते हो क्या चीज़ डार्क ब्राउन करना चाहोगी बेटा वो सोशल गैदरिंग के लिए तो बहुत अच्छा है बट प्रोफेशनल के लिए बस आपको सिंगल कलर में रहना है हाँ प्रोफेशनल में सिंगल कलर में रहना है अगर आप उसके साथ किसी भी मैच एंड मिक्स में जाते हैं उसके लिए आपकी हाइट का टॉल होना बहुत ज़रूरी है अगर तो आपकी हाइट बहुत अच्छी है तो फिर तो आप कंट्रास्ट की तरफ जा सकते हैं लेकिन अगर आपकी हाइट नॉर्मल है तो फिर आप सेम कलर के साथ जाएं। उससे आपको ना एक इलोंगेट लुक चली जाती है दिखाई देती है देखो ना आई ट्रैवल दिस वे टू दिस वे ज़्यादा रादर देन दिस वे टू दिस वे हम ज़्यादा ऐसे देखते हैं ना तो वो अगर हमने ऐसे ही देखना तो फिर हाइट देने के लिए फिर ये ज़्यादा ज़रूरी है देखो वैसे लड़कों के लिए तो स्ट्रांग अच्छी होती है लड़कियों के लिए लाइट होती है तो लेकिन इतनी भी स्ट्रांग ना हो मुझे लगता है कि इतनी होनी चाहिए कि वो आपकी हद तक में रहे वो जब दूसरों को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाए तो फिर इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होनी चाहिए मैं अभी आप क्या बात की आपने मैं इसको कहने लगी थी लड़कों के लिए ना ऊध बहुत अच्छा एक ऑप्शन है बेस्ट ऑप्शन है ऊध ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी इसके आपके कोई लिमिट्स नहीं है हर ब्रांड ऊध आपका प्रोवाइड कर रहा है लड़कियों के लिए देखो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि एक तो बर्बरी है वो बहुत ज़बरदस्त है एक और बड़ी है वो लेकिन ना वो उसका मसला ये कि वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है उसका नाम मुझे जरा सोचने दो कोको शनेल है लेकिन उसमें आपको ये कि आप भरवा भी सकते हैं कोको शनेल की जो परफ्यूम है वो होती एक्सपेंसिव है औरिजिनल लेकिन आपको ना ये पता नहीं आप बच्चों को पता है कि नहीं पता कि ये भरवा भी लेते होते हैं यहाँ से आपको एक तो ऑरिजिनल होती है एक होती है तो कॉपी भी मिल जाती है वो कॉपी भी बड़ी अच्छी होती है उसमें आप ये देख लेते हैं वो बी क्लास होनी चाहिए तो कोकोशनैल है बर्बरी है और काफ़ी सारी हैं वो फिर मैं आपके ना उसमें बैच फोर में आपको ऑप्शंस भेज दूंगी तो इतर बड़ा इस्तेमाल करते हैं लड़के तो इतर भी बड़ा अच्छा काम करता है सस्टेनेबल भी होता है लेकिन वो उसके लगाने का तरीका अगर आपको आता है तो फिर तो वो ये सस्टेनेबल ही होता है बाकी और कुछ चीज़ और कुछ देखें तो कोट में डिपेंड करता है कि आपने किसके साथ करना है वाइट सूट के साथ ब्लैक पहनना है मेरा ख्याल है कि ग्रे ज़्यादा डीसेंट लगता है हाँ ग्रे और बेज ज़्यादा डिसेंट लगता है ब्लैक से वो बहुत ज़्यादा लॉयर लुक आ जाती है उसकी वो भी देखना होता है थोड़ा सा लेकिन अगर आप उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं तो यू कैन गो विद इट शूज़ में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ब्लैक और डार्क ब्राउन बस हाँ इससे आगे कोई ऑप्शन नहीं है लड़कों के भी डिफरेंट कलर्स आ गए जी प्लीज़ हाँ हाँ जो जो तो उसे वो 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 भी है ले। मैं लेता लेकिन मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा सवाल किया देखो ये ना आ, ये तो प्रोफेशनल एक बात हो गई है प्रोफेशनली भी ये लकीली कभी भी एक कलर ऑप्शंस में नहीं दिया जाता हमेशा चार पांच कलर्स दिए जाते हर साल ना जो पेंटोन यूनिवर्सिटी है ना वो बारह कलर्स आपको वैसे देती है ट्रेंड के और चार कलर आपके न्यूट्रल्स के होते हैं वो पैलेट ट्रेंड में होती है लेकिन उसमें कुछ कलर ऐसे होते हैं जो आपको मुवाफिक आते हैं जो आपकी स्किन टोन के हिसाब से जा रहे होते हैं बिल्कुल वैसे ही जब आपको प्रोफेशनल कलर पैलेट दी जाती है तो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं आपके ऊपर कौन सा सूट करे इसका तरीका जज करने का दो तीन है एक तो आपका वेन टेस्ट है आप कूल अंडर टोन है या आप वार्म अंडर टोन है अगर तो आप लोगों की जो वेन है यहाँ पे वो पर्पल या ब्लू है तो वो आप कूल अंडर टोन है चेक करें अपनी सारे अगर ग्रीन है तो फिर आप वार्म अंडर टोन है आपकी ग्रीन है हम में से ज़्यादातर लोग जो है ना वैसे कूल अंडर टोन होते हैं हम एशियंस तो जो वार्म अंडर टोन के उनके लिए एक अलग पैलेट है प्रोफेशनल्स की और कूल cool के लिए अलग है लेकिन इन्हीं कलर्स में से है बड़ी हद है आपके लिए जेड ब्लैक अच्छा नहीं होगा लेकिन ब्लैक अच्छा हो जाएगा बड़ी हद है आपके लिए ग्रे अच्छा नहीं होगा तो चारकोल ग्रे अच्छा हो जाएगा तो क्या है कि ऑप्शन वही हैं आपके लिए लेकिन अब आप वो आपने ख़ुद फिक्स करना कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है तो आपने उसको तरीक़ाकार क्या है कस्टमाइज़ में बड़ी आसानी है, है कि जब लड़का हो या लड़की हो जब वो कलर सेलेक्ट करने के लिए जाता है ना अकेले नहीं जाएंगे आप ऑफ कोर्स किसी के साथ जाएंगे तो वो कलर आपने लेके ना इधर डाल लेना है ऐसे करके अगर तो आपकी स्किन ग्लो करती है ना तो इसका मतलब है कि ये वो आपका कलर है वो वाला वाइट का शेड वाइट का शेड सिलेक्शन का बड़ा आसान तरीका ये है कि आपके आई का जो वाइट पार्ट है ना दैट इज़ योर वाइट समझ में आ रही है आपको मेरी बात आपकी आई का वाइट इज योर वाइट तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ शेड्स ऑफ वाइट्स ना तो वो सारे आपके नहीं हैं आपने उस व्हाइट को अपनी आँख के वाइट से मैच करना है वो तब होगा जब आपने यहाँ रखा और आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना कि वो आपका वाइट है और मे बी देर आर सेवरल ऑफ वाइट शेड्स जो कि आप पे सूट कर रहे हो और सेवरल हो सकते हैं जो ना कर रहे हो बट आपके पास ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है तो ये आपने खुद सेलेक्ट करना है कि जो डार्क या लाइट आप यहाँ रखेंगे स्किन ग्लो करेगी तो वो आपका कलर है और जिसमें आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी पलाहट लगेगी चेहरे पे वो आप लोगों का कलर नहीं है सिंपल तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर कस्टमाइज में नहीं जा रहे रेडीमेड में जा रहे हो तो बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है जाओ जाके चेंजिंग रूम में चेक करो पहन कर चेक करो वही पता चल जाएगा जो आपका कलर नहीं है उसमें आप बीमार बीमार लगना शुरू हो जाते हैं ऐसे ही है ना थोड़ा आपको लगता है कि मैं फ़्रेश नहीं लग रहा वहां पे आपको लगता है कि ये तो मुझे सूट ही नहीं कर रहा कलर एनी अदर क्वेश्चन टाई में कलर मरून रेड नेवी डार्क नेवी ब्लैक ग्रे स्काई ब्लू अब स्काई ब्लू के साथ आप नेवी की रेप्टाइज ले सकते हैं पोलका डॉट्स में आपको नेवी ब्लू और वाइट मिल जाए मरून और वाइट मिल जाए स्काई ब्लू और डार्क ब्लू हो जाए ब्लैक और वाइट हो जाए ये जो कलर्स हैं और सबसे अच्छा प्रोफेशनल शेड जो है ना वो है स्काई ब्लू और नेवी ब्लू ब्लैक और रेड रेप्टाइज़ ये जो कंट्रास्ट है ये बहुत प्रोफेशनल होते हैं और इसमें आप ये लिख लीजिए कि रेप्टाइज पोलका डॉट्स एंड प्लेन्स रेप्टाई जो साइड से ऐसे लाइंस होती है ना चेक्स भी चेक्स भी लिखें प्लीज़ प्लेन्स चेक्स पोलका डॉट्स और रेप्टाइज फेस को मैयर करने का तरीका दो पार्ट आपके फेस के ऐसे होते तो हैं जो आपके फेस को मैयर करते हैं एक आपका ये वाला पार्ट है ये पार्ट आपका वो है जो आपकी आईब्रो का एज है आईब्रो के एज से आपकी जो ये वाली साइड है आपने इंच स्टेप लेनी है और यहाँ जहाँ पर आपके बाल ख़त्म हो रहे हैं ना यहाँ से आपने अपनी मैयरमेंट करनी है इधर से इंच टेप रख के इधर उसको आपने नोट डाउन कर लेना है अब आपकी जॉ लाइन है आपके लिप्स से नीचे ये वाली जहाँ पे आपके चीक्स एंड हो रहे अब आपने यहाँ पर रख के इसको मैयर करना है कर लिया आपने अब आपकी यहाँ पे मैयरमेंट आ गई वो आपने लिख ली अब आपकी तीसरा स्टेप है कि अब आपने अपनी इंची टेप और फुट लिया फुट को आपने रखा इधर यहाँ पे रख के इंचिस टेप को अपने यहाँ पे मैयर कर लिया अब आपने इसको नोट कर लिया कि ये आपकी क्या लेंथ आ रही है तीन हो गए चौथा पार्ट है आपका वन टू थ्री फोर ठीक है अब ये फोर हो गया अब आपने ये जॉट डाउन कर लिया चार पॉइंट्स आपके पास आ गए अब आपने एक पेपर के ऊपर निशान लगाए निशान लगा के उस मैयरमेंट को आपने एक स्केच करना शुरू कर दिया स्केच करके जब आपने उसकी ज्वाइनिंग की तो वो आपके पास शेप आ जाएगी अब वो या तो राउंड बनेगी या वो स्केयर बनेगी और या फिर वो रेक्टेंगुलर बनेगी या ओवल जो भी होगी वो शेप आपके सामने आ जाएगी तो वो आपका फ़ेस शेप है बेसिकली क्या चीज़ डिसाइड कर रही है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ डिसाइड कर रही है कि आपका फ़ेस शेप क्या है बहुत इजी वे है नहीं समझ में आएगी ना तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी इसकी रिसर्च थोड़ा सा वो देख लेना बट रिसर्च करने से पहले हमेशा देखा करो कि कितनी ऑथेंटिक है जितनी ऑथेंटिक होगी ना उतनी सही होगी वरना ये जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुहेल बड़ाइज साहब वो कहते थे कि ये तो बायोग्राफी भी ठीक नहीं देते गूगल वाले गूगल वालों ने तो मेरी उम्र भी ठीक नहीं लिखी हुई मैं तो अभी बहुत छोटी उम्र का हूँ <laughs> तो वो कहीं ना कहीं बात सही कह रहे हैं कि आपकी तो बायोग्राफी भी गूगल में सही नहीं होती तो नॉलेज हमेशा समझने से पहले देख लें कि रिसर्च है किसकी ठीक हो गया आई होप आप लोगों को सवालों के जवाब मिल गए होंगे और मुझे बहुत मज़ा आया है पढ़ा एनर्जी के साथ मैंने सेशन दी है और उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ठीक है थैंक यू